हेडलाइन पर। वरमाला के बाद जैसे ही आगे बढ़ी दुल्हन दाएं से आकर लगी गोली। सर्दी का सितम, 96 घरों की मौत के बाद जागी सरकार। इंदौर गोलीकांड मामले में गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। शहरवासियों से शांति की अपील। अब खबरें विस्तार से। वरमाला के बाद जैसे ही आगे बढ़ी दुल्हन दाएं से आकर लगी गोली। यह वारदात राजधानी दिल्ली में हो रही एक दुल्हन शादी के दौरान अफरा तफरी मच गई, जब दुल्हन को किसी ने गोली मार दिया। घटना पूर्वी दिल्ली के शंकरपुर इलाके की है। आनंद फानंद में घायल दुल्हन को फिलहाल दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जयमाला के वक्त गोली मारी गई। मोहल्ले का ही था आरोपी। रिंकू पूजा को इस तरह से क्यों मारा, इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। पता ना, बहुत तेजी से टायर या ट्यूब फटता है, उस तरीके की आवाज आएगी। हम तो ये सोचे थे शायद ऐसा कुछ हो गया, ये लड़की गिर पड़ी है और वो नीचे गिर के वो चले मेरे लगी में चोट लगी, चोट लगी टांग में लगी, मेरी टांग में लगी। तो फिर हम ये सोचते रहे कि शायद इसके शायद वैसे हुआ। पीछे से वो जो लड़के का जो भाई है उसने कहा, उस लड़के ने क्या नाम है, शायद कोई रिंकू, रिंकू नाम बता रहा है शायद उसका, लड़के का भाई उसके रिंकू नाम बता रहा है शायद। वो कह रहा है उसने गोली मारी, वो उसके पीछे भाग लिया। तो हम तो उस लड़की के पीछे मतलब यहीं पे लगे उस लड़की को उठाने के लिए, पर क्या लग गया वो उसे पीछे भाग रहे कि नहीं, इतने हम पीछे भाग के गए, तो लड़का भाग चुका था वहाँ से। सर ये तो अंदर आपको मालूम, हाँ नहीं। सर्दी का सीजन, 96 घरों की मौत के बाद दिन से जागी सरकार। नई दिल्ली राजधानी में सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। आश्रय सुधार बोर्ड के तहत बनाए जाने वाले रैन बसरों में बेघरों का ध्यान रखने के लिए बेहद मुस्तैदी बरती जा रही है। जहां पहले रैन बसरों में रहने वाले को मुश्किल से ही कंबल मिल पाते थे, वहीं अब बढ़ती सर्दी से बचने के लिए कई कई कंबल बेघरों को दिए जा रहे हैं, ताकि रैन बसरों में रात गुजारने वालों को परेशानी न हो। जहां स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से अपील की है रैन बसरों में रहने वाले को कंबल बांटे जाए। मेरा नाम अंजुम है, मैं यहाँ की केयर टेकर हूँ। यहाँ पर हम इन लोगों के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पर केयर टेकर हैं और यहाँ कुछ लोग यहाँ पर लोग रहते हैं और क्या कहते हैं, हमें इनको क्या कहते हैं देखभाल करते हैं, इनको काफ़ी सारी सुविधा देते हैं। यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह भी आती हैं इन लोगों के लिए। हम इनको हर तरीके की परेशानी से बचाते हैं। ब्रेकफास्ट भी होता है सुबह, चाय वगैरह पापे वगैरह भी मिलते हैं। और सुबह लोग बाग कुछ लोग ऐसे यहाँ पर जो सुबह निकल जाते हैं काम के लिए, रात को आते हैं यहाँ पर सोने के लिए। यहाँ पर गार्ड भी है और मैं केयर टेकर भी हूँ। इंदौर मजदूर में गोली हत्याकांड मामले में गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। शहरवासियों से की शांति की अपील। नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी नेता प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद मालवा इलाके में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। प्रहलाद बंधवार की निर्मम तरीके से हत्या होने के बाद भाजपा खेमे में आक्रोशित भी है। घटना के बाद गृह मंत्री बाला बच्चन से इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं इंदौर गोलीकांड में भी उन्होंने DIG से फोन पर बात की और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। मैंने दोनों जगह जो गोलीकांड हुए हैं, मैंने भी आपको बताया है कि मैंने दोनों जगह बात की। इंदौर DIG से मेरी बात हुई है, उनने मुझे 2 दिन का टाइम दिया कि सर हम 2 दिन में ट्रेस कर लेंगे, जिनने भी जो गोली चलाई हम 2 दिन में उनको पकड़ लेंगे। और मंदसौर SP से भी मेरी बात हुई थी, विद्यार्थी जी से, उन्होंने भी ये कहा कि आज रात में कार्रवाई करके हमने जिनने भी जो गोली चलाई उनको हम ट्रेस कर लेंगे। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शब्द नहीं है। अपराध कैसा घृणित तरीके से किया है, इसे हम तो निशब्द हैं। भाजपा के ही नहीं, समाज जीवन में एक ऐसा व्यक्ति व्यक्तित्व जो हर एक के काम के लिए सहज उपलब्ध रहते थे, सरलता, समाज सेवा के प्रति संकल्प, मगर आज डोर टूटी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।